गाय में दूध की बढ़ोतरी के लिए आप क्या क्या करते हो कि दूध भी आपका बढ़ता रहे और आपके आगे की नस्ल भी अच्छी रहे? अच्छी रहे, हम डॉक्टर साहब को बुलाते हैं अच्छी तरह से, वो निर्गल शरीर की गाय से सुई धराते हैं उसको, और वो निर्गल गाय के सुई से ऐसे ही मेरे वो बढ़ोतरी रहती है, उस दूध भी वो उसको बढ़ता है, दूध भी बढ़ता जाता है उससे, और उससे वो मेरे ना निर्गल वो आगे ऐसे सुई भी अच्छी तरह से होती जाती है। जब बीमार हो जाती है गाय तो आप उनको पशु चिकित्सक के पास भी ले जाते हैं? हाँ, ले तो उसको ही बुला के वहाँ खिला दिलाते हैं, सुई दिलाते हैं, उसका रोग फोक भी आ सकता है उसमें, अच्छी तरह से तैयार करा देते हैं उसको, डॉक्टर साहब आते हैं, वो देखते हैं, वो सुई दे जाते हैं, वो दवाई दे जाते हैं, बाटे में खिला बह के दे जाते हैं, वो चारा में खिला बह के दे जाते हैं, तो उसको खिलाते हैं। आप चारा कितनी बार खिलाते हो? चारों चार बार खिलाते हैं। चारा आप मशीन से कुटा हुआ डालते हो या फिर? कटा हुआ भी डालते हैं और साबुत भी डालते हैं। चारे में क्या क्या, जैसे क्या क्या? चारे में सब डालते हैं, वो मक्की का, बाजरे का, ज्वार का, मूंग का, चने का, सब तरह का चारा डालते हैं। सुई लगवाने से क्या फायदा होता है? वो गाय मेरे निर्गल की होती है, मतलब नस्ल सेम की सेम रहती है? सेम की सेम रहती है, बदलती नहीं है। हाँ। और तो अच्छी तरह होती है, अच्छी तरह भी दूध भी अच्छी तरह होते हैं उसके, दूध फिर बहुत ज्यादा आता है। जैसे ज्यादा एक गिर नस्ल की गाय कितना दूध देती है? एक गिर नस्ल की गाय 10 लीटर 8 लीटर 9 लीटर दूध देती है। अच्छा, और जब आप सुई लगवाते हैं तो उसके बाद क्या इजाफा होता है? यहाँ सुई लगवाते हैं तो फिर जो होने होती है ना, जो ज्यादा कम से कम पड़ जाता है, फिर पाची वो बिहार आती ना उसको, फिर पाचा वही हो जाता है।